चलिए निमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, प्रदीप यादव से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 42 है, जो कि राजस्थान से है और उन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो प्रदीप, ऑल इंडिया रैंक 42 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो प्रदीप का वैसे आपने एक सेशन जरूर देखा होगा और आज ये फिजिकल है, अवार्ड सेरेमनी में आए अपने पापा के साथ, तो अब जो इनकी फीलिंग्स हैं या जो कुछ बातें रह गई होंगी वो भी शेयर करेंगे। तो प्रदीप, एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताएं और जो बातें आप शायद उस समय ना बता पाए वो भी आप जरूर शेयर करें। जी सर, सबसे पहले मैंने 12th किया था 2021 में, उस टाइम लॉकडाउन था तो वैसे पोस्टपोन हो गए थे, हमारी एग्जाम नहीं हुई थी, तो राजस्थान बोर्ड ने हमें 98% मार्क्स दे दिए। उसके बाद में मैंने NDA की एग्ज़ाम दी थी, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं बीमार हो गया था तो वो मेरा निकला नहीं था, थोड़े 10-15 नंबर कट ऑफ से कम थे। फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा पेपर क्लियर हो गया था, मैं इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद आया था SSB के लिए, तो वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, और वही मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मेरी एज हो गई थी। तो फिर मैंने उसी टाइम BCA के लिए एडमिशन ले लिया, सोचा साथ में कॉलेज कर लेते हैं, तो मैंने BCA के लिए एडमिशन लिया। उसके बाद में मुझे पता चला मेरे दोस्त से किससे कि NIT में एडमिशन होता है NIMCET एग्ज़ाम से, उससे हम MCA कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। तो मैंने नवंबर में इसकी तैयारी स्टार्ट की थी, ज़्यादा नहीं 5-6 महीने ही तैयारी की है, और एवरेज ही स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था, ओनली सर के एनालिसिस वीडियो देखे थे मैंने टेक्स्ट सीरीज के, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वही मेन पॉइंट था। मैंने तैयारी से पहले भी पेपर देखे थे तो मेरे एवरेज मार्क्स आते थे 300, 400, 450। फिर मैंने इसको 600 कैसे करना वही सोचना था, तो सर के पेपर के एनालिसिस वीडियो देखे, उनमें उन्होंने बता रखा था कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वही सबसे अच्छी बड़ी चीज़ है कि हम टफ क्वेश्चंस में लगे रह जाते हैं और टाइम पूरा हो जाता है और इजी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो हमें 2 राउंड करने हैं, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं फिर टफ क्वेश्चन करने हैं। सर हमेशा बोलते हैं 5 या 6 क्वेश्चन सर्किल के बाहर के आते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, तो वो हमें पहले जानना होगा कि कौन से क्वेश्चन सर्किल के बाहर के हैं वो छोड़ने। तो 50 क्वेश्चन आते हैं जैसे NIMCET में मैथ के, उनमें से हमें 40 क्वेश्चन मैक्सिमम करने हैं, 10 क्वेश्चन तो ये मान लो हमारे लिए है ही नहीं, वो हमारे लेवल के नहीं है, पेपर के लिए भी नहीं है, तो ये छोड़ दो कि आया ही नहीं है, तो उनमें 40 में से हम 35 अटैम्प्ट कर देंगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैंने इस टाइम 36 अटैम्प्ट किए थे और उनमें से मेरे 30 क्वेश्चन सही थे, तो मेरा अच्छा स्कोर 330 हो गया था मैथ में, और रीजनिंग में भी मैंने स्पीड ठीक थी, थोड़ा सा रीजनिंग में अब स्पीड मैटर करती है क्योंकि 40 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में, तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में, अच्छी खासी स्पीड थी तो हो गए थे। आगे इंग्लिश और कंप्यूटर में तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, इजीली आप कर सकते हो। मेन इशू मैथ का ही है, मैथ यहाँ पे 60% पोर्शन मैथ का आता है, तो मैथ में आपको ओनली कुछ नहीं करना है, ये यूट्यूबर्स पर सब बोलते हैं कि JEE के POI के लगा लो, JEE एडवांस के क्वेश्चन कर लो, उनसे कुछ नहीं होता, वो 10 क्वेश्चन आप छोड़ दो, JEE के 10 क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ दो, 40 क्वेश्चन NIMCET के आएंगे उन पर फोकस करो, उनमें से आप 35 कर लोगे बहुत अच्छा है, यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने प्रदीप, एक्चुअल में कई लोग आखिरी तक भी इस बात को नहीं मानते, जिस बात को आपने एकदम से पकड़ लिया कि क्या छोड़ना है वो भी आना चाहिए और क्या करना है, क्योंकि आपने जो टेस्टिंग से सबसे ज्यादा वर्क किया वो इस पे किया कि क्या अटेम्प्ट करना है क्या छोड़ना है, एक बात। दूसरी बात ये भी सही है कि कई लोगों को मिसगाइड हो जाते हैं कि हम JEE मेंस के एडवांस के कर लें, जबकि वो क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं होता, तो आपने उन सब चीजों को मिलती है क्वेश्चन के लिए, और NIMCET में 50 सेकंड 60 सेकंड मिलती है, इतनी देर में हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो क्वेश्चन कर पाए, और आपने इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और उसका आपने डायरेक्टली फायदा उठाया कि वो 10 क्वेश्चन छोड़ दो, इसीलिए ये जो 42 रैंक है इसमें बहुत बड़ा रोल इसी बात का है। जी सर, तो अच्छा ये बताओ पेपर के समय आपका क्या माइंडसेट था? सर पेपर जब मैंने ओपन किया तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, एकदम इजी क्वेश्चन था, उसमें मैंने 2 या 3 मिनट वेस्ट किए, अच्छा नहीं बना, फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, इतना इजी पेपर है फिर भी नहीं हो रहा। फिर सेकंड क्वेश्चन गया वो भी बिल्कुल इजी था, थर्ड गया वो भी बिल्कुल इजी था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, कैलकुलेशन में 2-3 बार सॉल्व करने के बाद भी आंसर मैच नहीं कर रहे ऑप्शन से, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैंने सोचा क्वेश्चन रॉन्ग थोड़े हो सकते हैं इतने, सभी रॉन्ग थोड़े हो सकते हैं, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, 2 हो सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे आगे करता गया, लास्ट में मेरे 25 के लगभग क्वेश्चन हुए थे और 20 मिनट बची थी, उसके बाद में मैंने पीछे से वापस स्टार्ट किया, धीरे धीरे करता, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो बनते चले गए बाद में, और लास्ट में मैंने 36 क्वेश्चन कर दिए थे मैथ में। एक बार बीच में लगा था कि इस बार NIT में नहीं होगा, लेकिन फिर लास्ट में होते होते 36 क्वेश्चन हो गए, तो सोचा अच्छा स्कोर है। फिर पेपर से बाहर आके लोगों से पूछा कि कैसा हुआ, वो बोल रहे हैं हमसे 25 क्वेश्चन नहीं हुए मैथ में, तो मुझे लगा मैंने 36 कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। सर ने ये बात ही बोली थी कि आपको ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, तो ये भी मैं सोचा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया, इस बार तो नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन फिर जब आंसर की आई तो
ठीक ठाक था, 5-6 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए थे वैसे 36 मेरे, में कितने रॉन्ग हुए टोटल? 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उनमें से एक तो बोनस मिल गया, दो बोनस मिल गए थे, एक तो हट गया था, एक में वैसे मिल गया था। हाँ, जिसे 2023 में हुआ था, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे और कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर भी सिलेक्शन हो रहा था 20-30 क्वेश्चन में। तो मैंने सोचा इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और सर ने बोला था कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने एक्यूरेसी के साथ में, तो वही बात ध्यान में रह गई। फिर मैंने सोचा इतने ज़्यादा कर दिए अब कैसे होगा, फिर आंसर किसी मैच किया तो ठीक ठाक क्वेश्चन सही थे तो ठीक स्कोर हो गया। फिर अच्छा, ओवरऑल कितना स्कोर आया था आपका? ओवरऑल मेरा था 585.5। एक चीज सबसे अच्छी लगी प्रदीप, आपने बिल्कुल पेपर को उसी तरीके से अटेम्प्ट किया जो कि सही तरीका होता है। क्या 36 क्वेश्चन का मतलब यह हुआ 36 सही अटेम्प्ट थे और 36 क्वेश्चन के लायक ही पेपर था। 10-12 क्वेश्चन अगर वो उसमें उलझ जाते या ये सोचते मैं पूरे 50 कर लूँ तो शायद ये रैंक भी नहीं हो पाती। जी सर। अच्छा, LR के समय जब आप पहुंचे तो क्या एक्सपीरियंस रहा LR का, वो भी बताओ। LR में सर मैथ तो पूरी भूल गया था मैं, LR में वैसे टाइम कम होता तो कुछ सोचने का टाइम तो वैसे नहीं मिलता, तो मैंने दोबारा भी नहीं देखा, चलता गया। जो क्वेश्चन बन रहे थे बन गए, जो नहीं बने नहीं बने। फर्स्ट में मैंने पजल वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो मैंने बाद में किए थे, जो पजल के 4-5 क्वेश्चन आए थे वो मैंने दूसरे राउंड में किए थे, ओके okay. और और जब लास्ट कंप्यूटर क्वेश्चन कर रहा था तब तक टाइम हो और गया। कंप्यूटर सेक्शन में जब पहुंचे, कंप्यूटर सेक्शन मेरा थोड़ा वीक ही था, मैंने 10-12 क्वेश्चन किए थे 20 में से, लेकिन जो वो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन थे जैसे नंबर सिस्टम वाले, वो क्वेश्चन मैंने कर दिए थे, वो इजी थे। थ्योरी अच्छा आप थ्योरी कम पढ़ी थी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन मेरे इतने हुए भी नहीं थे। ओके अच्छा, आपने फाइनल ईयर के साथ ये रिजल्ट एग्जाम दिया था, जी सर। तो फाइनल ईयर के कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा था आपका? सर कॉलेज की एग्जाम मेरी अप्रैल एंड तक हो गई थी, तो मेरे को 1-2 महीने मिल गए एक थे महीना फिर। मिला एक्चुअल में देखा जाए, 1 महीना 6 दिन। जी पर कई बार बच्चे सोचते हैं अरे अप्रैल में एग्जाम होंगे, अब एक ही महीना बचेगा क्या होगा, तो क्या थॉट आए थे और किस ढंग से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि हम अपने आप को टॉप रैंकर बना सकें? सबसे पहले मैंने सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था कॉलेज एग्जाम के पहले, ओके okay. और कॉलेज की एग्जाम तो मैंने एक दिन पहले पढ़ के दी है, सब ऐसे ही देते हैं, पहले दिन पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं। तो 25 अप्रैल के लगभग मेरी एग्जाम कंप्लीट हो गई थी कॉलेज की, उसके बाद में फिर से 1 महीना था, तो मैंने थोड़ा सा पहले तो बुक से रिवाइज किया कॉन्सेप्ट वगैरह, उसके बाद में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए ओके okay. और उनका एनालिसिस किया। आपके वीडियोज देखे थे एनालिसिस में, मैं ये नहीं देखता था कि उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सर की बातें सुनता था एनालिसिस में, जो अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। अच्छा ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगा, आराम से कॉलेज के ऊपर भी ध्यान दो, एग्ज़ाम 1 साल से ज़्यादा तैयारी करने का नहीं है, 2-2-3-3 साल लगाते हैं लोग इसके एग्ज़ाम की तैयारी में, JEE नहीं है नीम सेट ही है, तो नीम सेट की तरह लो, आराम से पढ़ो, बेसिक कर लेना, बेसिक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बात ये बेसिक से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे, बेसिक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर जितना एडवांस होता है बेसिक से वो करते जाओ, हो जाएगा इजी, अपने पर विश्वास रखो, हो सकता है सब कुछ। तो प्रदीप आपके पापा आए हुए हैं जी सर, तो मैं चाहूँगा वो भी आए और वो आपके बारे में कुछ बताएं। आइए वो। तो आपको सबसे पहले तो थैंक बहुत सारी बधाई प्रदीप यू की, सर, इतनी थैंक अच्छी यू। रैंक आई है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपने बच्चे के बारे में? ये घर पे जब पढ़ाई करता होगा आप सब देखते होंगे, तो हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे? चलिए मैं सर, मुझे तो इसके ऊपर मेरे से ज़्यादा विश्वास है सर। बहुत ही अच्छी बात है ये। और कुछ नहीं, बस इसका काम ये है, पढ़ो काम करो बस, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। तो मम्मी आपके मम्मी के बारे में कुछ बताओ। मम्मी हाउस वाइफ है सर। ओके तो वो आपको हर समय जो आपको जरूरत होती होगी पूरी जी करती सर, होंगी, पूरा ध्यान वो रखते हाउस वाइफ नहीं वो घर बनाती हैं, हाउस मेकर हैं जिन्होंने आपको हैं इतनी सपोर्ट से आगे बढ़ाया हुआ है ना। जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको एक बार थैंक फिर से, यू और प्रदीप आपको भी, अब आप ऐसे ही आगे ग्रो करो और अच्छा NIT में भी जाके थैंक यू परफॉर्म सर। करो। थैंक यू। थैंक यू सर।